नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है केदारनाथ जी का टेंपल, यानी कि केदारनाथ बाबा जी। अब हिंदू धर्म में दोस्तों कहा जाता है कि चार धाम यात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बट राइट नाउ क्या हुआ दोस्तों, ये केदारनाथ जी का जो टेंपल है ये अभी विवाद में है, और कहा जा रहा है कि इस पार्टिकुलर टेंपल के जो पुरोहित हैं यानी कि जो पुजारी हैं उनका ये एलिगेशन है कि इसमें जो डोनेट होता है गोल्ड उसको बदल करके यहाँ पर तांबा और पीतल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, स्टेट टूरिज्म जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि एक हाई लेवल जो है पैनल बनाना चाहिए। और इसमें जो स्कैम के बारे में बात कहा गया है लगभग आप देख सकते हैं कि 1.25 बिलियंस का, तो इस स्कैम के रिगार्डिंग एक हाई लेवल पैनल बनेगा, एक ग्रुप बनेगा और इस पे आपका इन्वेस्टिगेशन का शुरुआत होगा। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों इस पार्टिकुलर टेंपल का, तो हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये आपका जनरल स्टडीज 1 के सेक्शन में जाता है, आर्ट एंड कल्चर्स के पोजीशन में, और इसके साथ-साथ टेंपल आर्किटेक्चर आपको पढ़ना काफी महत्वपूर्ण होता है। ये जो पैनल बनेगा दोस्तों गढ़वाल कमिश्नर के अंदर बनेगा, जिनके ऊपर क्या इसको चेयरमैन बनाया गया है, और इस पार्टिकुलर टेंपल में जो भी स्कैम का एलिगेशन है पुजारी की तरफ से उनको पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा दोस्तों। तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस वीडियोस के माध्यम से समझेंगे, साथ साथ हिंदू धर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट चार धाम यात्रा है जिसमें एक धाम केदारनाथ बाबा जी का टेंपल है और इसके साथ साथ तीन और नाम है उसके ऊपर भी चलेंगे, और केदारनाथ टेंपल जो बना इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे दोस्तों। आइए बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप स्क्रीन पे हमारा देख सकते हैं, ये कुछ इनसाइड व्यू है जिसको हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं गर्भगृह, और यहाँ पर कंप्लीट आपका गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये जो गोल्ड है दोस्तों ये जो डोनेशंस देते हैं, डैट मीन्स के जिनका आस्था जुड़ा हुआ है और साथ साथ जो डोनेट करते हैं तो वो उन्हीं का दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, ये एलिगेशन लगने की वजह से जो डोनेट करते हैं तो उनके मन में भी ये शंका है कि क्या ऐसा हो सकता है। अब ये आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे पहला केदारनाथ टेंपल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि केदारनाथ टेंपल इज ए हिंदू श्रीन डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, यानी कि शिवा भगवान जी। इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। आपको ये रिमेंबर रखना है कि ये लोकेटेड कहाँ पे है, केदारनाथ जी का टेंपल तो आपका उत्तराखंड में है, और साथ साथ किस रिवर पे लोकेटेड है जो आपको रिमेंबर रखना है, मंदाकिनी रिवर। और इसके साथ साथ ये एक इंटेग्रल पार्ट है किसका, चार धाम यात्रा का, जिसमें से एक धाम कौन सा है दोस्तों, तो केदारनाथ जी का टेंपल एक धाम है। तो आइए समझते हैं तीन और धाम कौन सा है, उसके बाद इसी पॉइंट को दोबारा समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हो गया केदारनाथ जी का टेंपल, इसके साथ साथ पहला जो धाम है दोस्तों आप देख सकते हैं यमुनोत्री, इसके साथ आपका गंगोत्री, तीसरा जो है आपका केदारनाथ जी का टेंपल, और चौथा जो है आपका बद्रीनाथ टेंपल। और इसी के रिगार्डिंग आपको एक फैक्ट्स और रिमेंबर रखना है कि अभी रिसेंट में जगन्नाथ रथ पूजा हुआ, और आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि जगन्नाथ जो टेंपल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है और उसका जो है उसको बिल्ड कौन किया, उसको बनाया कौन, ये दो पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। आइए बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो केदारनाथ जी का टेंपल है ये बना आपका 8th सेंचुरी को बाई आदि शंकराचार्य, ये आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखना है। वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा इन इंडिया, द टेंपल इज क्लोज्ड ड्यूरिंग विंटर, यानी ये जो टेंपल है ये क्लोज हो जाता है आपके विंटर पे, और वहां पर कहा जाता है कि पूरा स्नो का फीडिंग होता है, आप देख सकते हैं कि पूरा बर्फ यहाँ पे भरा हुआ है, और काफी बेहतरीन काफी खूबसूरत लोकेशन बनता है दोस्तों। इस केदारनाथ बाबा के ऊपर में एक मूवी भी बना हुआ है, आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत जी का, तो आप वो भी अच्छे से देख सकते हैं, और यहाँ पर जाने का किसको मन नहीं है दोस्तों। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आपका कि विंटर के सीजन में बंद होता है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द डेती इज ब्रॉड डाउन टू अ विलेज कॉल्ड उखीमत, और यहाँ पर एक और आस्था जुड़ा हुआ है दोस्तों कि जो भगवान जी है वहाँ पर एक गांव है वो चले जाते हैं विंटर के सीजन में, और फिर जो विंटर जैसे ही खत्म होता है तो भगवान जी फिर से वापस इस पार्टिकुलर टेम्पल में आ जाते हैं, ये आस्था है दोस्तों। इसके साथ साथ आउटसाइड द टेम्पल डोर ए लार्ज स्टैचू ऑफ द नंदी बुल स्टैंड्स एज गार्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था रिगार्डिंग केदारनाथ टेंपल का जिसको आपको अच्छे से समझना है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपके GS1 के पोर्शन में काफी महत्वपूर्ण है, और खासकर आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में। दो पॉइंट और समझते हैं, मैंने ये डिस्कस कर दिया आपको कंप्लीट जो चार धाम यात्रा का पार्ट है। इसके साथ साथ केदारनाथ टेंपल का अगर हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको रिमेंबर रखना है ग्रे हंक ऑफ स्टोन,
यानी इसमें ग्रे हंक ऑफ स्टोन पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ द स्टोन स्लैब्स आर इंटरलॉक्ड विद ईच अदर, जो एक दूसरे से जो बिल्कुल लॉकिंग है, इस टाइप से कुछ है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ केदारनाथ टेम्पल इज द मैग्निफिसेंट केदारनाथ, यानी कि केदारनाथ बाबा जी, सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है, रिमेंबर रखना है। तो आज का हमारे सेशन में दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि केदारनाथ जो गोल्ड स्कैम जो भी कहा जा रहा है या एलिगेशंस लगाया जा रहा है तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पैनल बनाया गया जिसका नाम रिमेंबर रखना है गरवाल कमिश्नर। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर्स का तो आपको GS1 के सेक्शन में रिमेंबर रखना है, और साथ साथ मंदाकिनी रिवर्स को आपको नहीं भूलना है दोस्तों, और चार धाम यात्रा तो खैर इंपॉर्टेंट ही है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो से रुख्सत करता हूँ। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।